लहसुन की चटनी जो कि किसी भी खाने के टेस्ट को दस गुना बढ़ा देती है बहुत टेस्टी लगती है आप इसे पंद्रह दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमने लिया है तीन से चार टेबल स्पून ऑयल इस तरीके से चटनी बनाएंगे तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हमें डालना पड़ता है ताकि ये खराब बिल्कुल भी ना हो क्योंकि अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा रहेगा तो ख़राब जल्दी से हो जाती है तेल गर्म हो जाने के बाद में हमने जीरा डाल दिया है थोड़ी सी हींग इसमें ऐड कर दी है साथ ही में इसमें डाल देंगे हम एक कप यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल करा आधा आधा कप हमने एक्चुअली डाला है अभी तो एक कप हमने लहसुन का इस्तेमाल करा है अब लहसुन को ना हमें मीडियम लो फ्लेम पर हल्का हल्का सा भून लेना है हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है हल्की आँच पर इसको भून लेना है जब तक इसका रंग ना चेंज हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन का कलर हल्का सा आने लग गया हल्का 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 सा गोल्डन सा हो रहा है थोड़ा सा इसे और भून लेंगे और लास्ट में फिर इसमें डाल देंगे आधा कप यहाँ पे लाल मिर्ची हमने इस्तेमाल करी है, लेकिन ये स्पाइसी नहीं है आप देख सकते हैं ना शाइनिंग वाली लाल मिर्ची होती है उसमें शाइनिंग है थोड़ी सी तो ये तीखी बहुत ही कम तीखी होती है तो यहाँ पर हमने ये मिर्ची इस्तेमाल करी है और इनको डालने के बाद में इनको कम से कम पाँच से छः मिनट तक इनको भी हमें भून लेना है मीडियम फ्लेम पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है अब हमें गैस को ऑफ कर देना और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तब हमें जार में इसको बैचेज में पीस लेना है यहाँ पे चटनी बनाएंगे लेकिन चटनी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है बहुत ही खट्टा दही खट्टा दही जैसे कि फ्रिज में रखा रहता है तो इतना खट्टा नहीं होता है तो आप उसे एक दिन पहले ही बाहर रखा रहने दीजिए फिर यहाँ पे दो से तीन टेबल स्पून घी दही इसमें ऐड कर दीजिए काफ़ी खट्टा दही जैसे तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अगर आपको लग रहा है कि चटनी पीसने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम दो से तीन टेबल स्पून पानी इसमें ऐड कर दीजिए और आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन सा पेस्ट हमने नहीं बनाया ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाने से चटनी का फिर टेक्सचर नहीं अच्छा आता है तो इस तरीके से हल्का सा मोटा मोटा ऐसे पीस लेना है हमें अब चलिए इसको दोबारा से फ्राई करते हैं ताकि इसमें अच्छा सा रंग आ जाए तो यहाँ पर हमने सेम पैन में ही टू टेबल स्पून ऑयल डाला है आप कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेपरिका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि चटनी को अच्छा सा लाल रंग देगी लेकिन वो उसका तीखापन जो होता है ना वो नहीं बढ़ता क्योंकि पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल तीखे नहीं होते हैं उसका रंग अच्छा करने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो इस तरीके से मिर्च डालने के बाद में पाउडर डालने के बाद में बस पंद्रह सेकेंड के लिए आपको मीडियम लो फ्लेम पर इसको अच्छे से स्टोर कर लेना है ताकि इसका रंग अच्छा सा निकल आए ऑयल में उसके बाद में जो हमने मिक्सचर पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे फ्लेम को एकदम लो कीजिए नहीं तो एकदम से जलने लग जाएगा ये पेस्ट अब इसको अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स करते रहना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया हल्का सा एक दो तो टेबल स्पून पानी डाल के और बस नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें स्टर करते रहना है कंटिन्यूसली नहीं तो ये नीचे से चिपकने लग जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रंग आ चुका है काफ़ी सारा साइड साइड में ऑयल भी निकल आया है जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब इसे जार में रख सकते हैं फ्रिज में पंद्रह दिनों के लिए ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती और किसी भी खाने के साथ में सर्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह की और कौन सी रेसिपी पसंद आती हैं तो आपके साथ में ज़रूर कोशिश करेंगे शेयर करने की और इसका आप रंग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रंग है पहले थोड़ी सफ़ेद लग रही थी अब एकदम से लाल लाल रंग की बहुत ही अच्छी है और इतनी तीखी नहीं रहती क्योंकि हमने बहुत ही कड़वी वाली मिर्ची इस्तेमाल नहीं करी है बस इसका रंग बहुत अच्छा आता है तो आप इस रेसिपी को आराम से ट्राई कर सकते हैं